जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये रेड़ा है। 56 इंच का सीना ये है, धरती फाड़ के ये आया है। और से बोलोगे तो चीर देगा, ये है चैनल के स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखो, प्रशांत नील सर ने जब अनाउंसमेंट किया कि नहीं, लोग सारा सवाल पूछने लगे कि क्या अनंत नाग सर को रिप्लेस किया गया है, प्रकाश राज सर आए हैं उनकी जगह पे। तो ये वीडियो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था, जब फोटो पोस्ट किया गया उसका एक घंटे के अंदर ही मैंने वीडियो बना के और डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि नहीं, वो नहीं है, क्योंकि जगह मैच नहीं कर रहा था, टेबल मैच नहीं कर रहा था। अनंत नाग सर आज के टाइम में दिख रहे थे और प्रकाश राज सर का जो था वो ओल्ड दिख रहा था। ऑफिस जो है, सरकारी ऑफिस जो है, वो बिल्कुल ओल्ड दिख रहा था। सारा कुछ वहाँ पे पुराना था, टाइपराइटर रखा हुआ था, पुराने पुराने फाइल्स थी। तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कंपेयर करके सीन्स को कि वो नहीं है, इनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग होगा। और बाद में प्रशांत नील सर ने भी उसको कन्फर्म किया कि उनका कैरेक्टर अलग है। क्या अलग है वो तो हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। ये फोटो आने के कुछ देर के बाद ही मेरे छोटे भाई ने बोला कि लोग जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं बॉयकट करना कि प्रकाश राज के कारण। तो मेरे दिमाग में था नहीं, फिर मेरे दिमाग में अच्छा क्यों स्टार्ट कर चुके हैं, उसके बाद लोग लगे पड़े हैं KGF 2 नहीं देखना है, ये बॉयकट करो, प्रकाश राज है इसमें, ये है एंटी हिंदू है, दिस है दैट है। मैं बोला भाई साहब ऐसे में तो मिर्जापुर को भी बायकॉट करो, दोनों 23 अक्टूबर को आ रही है। हाँ, दोनों 23 अक्टूबर को, तो मिर्जापुर का भी बायकॉट करो, क्योंकि अली फैजल जो है उसने भी पोस्ट किया था ये CAA के दौरान कि शुरुआत मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आ रहा है, आप ट्वीट देखो जाके, वो भी अभी वायरल हो रहा है। मिर्जापुर 2 को भी बायकॉट करने की बात चल रही है, तो करो। देखो सीधी सी बात है, जो लोग बोल रहे हैं बायकॉट करेंगे वो पहले दिन देखेंगे, ये वेब सीरीज आएगी, ये फिल्म आएगी, पहले दिन देखेंगे वही लोग। अभी जो है ना बोल रहे हैं, बस मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, मेरे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कल भी, तो मैं यही बात बोलूँगा, देखो देखना है आपको, देखो नहीं देखना है मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिलीज हो गया है वो OTT पे, मिर्जापुर 2 की बात करूं तो पैसा पेड हो गया, एक्टर्स को पैसा मिल गया है, मेकर्स को पैसा मिल गया है, आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो आप देखो या ना देखो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रही बात फिल्म KGF चैप्टर 2 की, तो उसका ऐसा क्रेज है ना कि ये एक दो पॉइंट्स उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। जी हाँ, मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता उस फिल्म का, और फिल्म को अलग एक हाइप मिलेगी, एक अलग हाइप मिलेगी फिल्म को। तो मैं यही बोलूँगा, आपको विरोध करना है आप करिए, सबके अपने अपने राइट्स हैं, सबको बोलने का अधिकार है, आपने बोला, मैंने बोला, लोग बोलते हैं, जो अच्छी चीज़ें आएंगी उसको देखो, नहीं देखना है, गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना है तो मत देखो, बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार ही हो। तो यही सारी बातें हैं, और आज भी वेट करते हैं कि क्या अपडेट्स निकल के आते हैं या क्यों। कल तो बहुत अपडेट्स आया, पहले मालविका मैम ने पोस्ट किया, फिर प्रकाश राज सर ने पोस्ट किया, फिर प्रशांत नील सर ने पोस्ट किया, फिर भुवन गौरा जो सिनेमाटोग्राफर हैं उन्होंने पोस्ट किया, फिर प्रोड्यूसर साहब ने पोस्ट किया, तो कल बहुत सारे अपडेट्स मिले थे। आज देखते हैं क्या अपडेट आता है, तो कुछ भी अपडेट आएगा तुरंत ही आपको इन्फॉर्म करूँगा। बाकी आप क्या तैयार हो 23 अक्टूबर को मिर्जापुर सीजन 2 KGF चैप्टर 2 देखने के लिए या विरोध करने के लिए, नीचे कमेंट करो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करो, दोनों का बात बराबर है। वीडियो डिसलाइक सड़क 2 का देखा, इतने डिसलाइक मारे लोगों ने, ट्रेंडिंग चला गया, क्या फर्क पड़ा ट्रेलर को फिल्म को, कुछ नहीं। आप नहीं देखोगे ना तो उसको फर्क पड़ेगा, अगर आप देख रहे हो, वीडियो ओपन कर रहे हो, उसको डिसलाइक मार रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगेजमेंट आता है उससे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक जय हिंद।